हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ नीड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आखिर क्या आवश्यकता है, आखिर क्यों हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं जिससे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन किया जाए, या फिर उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता क्या है। जो कंपनी उनके साथ कर रही है करने दीजिए, चाहे धोखाधड़ी हो या फिर कुछ भी हो, आखिर क्यों हम उन्हें प्रोटेक्ट करें। तो यही आज हम जानेंगे कि आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है, क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी कोई एक बिजनेस शुरू होता है तो वो सब कुछ अपने घर से नहीं लेके आ रहा होता, वो मार्केट से पैसा उठाता है, वो मार्केट के बीच में जा कर के अपना सामान बेचता है, वहीं पर अपना सेटअप करता है, वहीं पर जो है अपनी कंपनी के प्रोडक्शन करने के लिए अपनी लेबर उठाता है, वहीं पर जो है वो सारा का सारा जो भी उसकी फैक्ट्री का गंध होता है उसी इन्वायरमेंट में छोड़ता है। तो इसीलिए यानी कि सोशल जो आपकी आसपास की एक इन्वायरमेंट है वो सब आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट वही आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं जिसके कारण आपका बिजनेस चल रहा है। तो अब जो वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, जगह, इन्वायरमेंट सब कुछ आपको दे रहे हैं, तो अब आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनके साथ सब कुछ सही से करो, उनको लूटो ना, उनसे जो है उनको एक्सप्लोइट ना करो। सो इसीलिए दिस इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कंज्यूमर के जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो। द बिजनेस मस्ट बी गाइडेड बाय सर्टन सोशल एंड एथिकल नॉर्म्स। जो भी बिजनेस है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइड होने चाहिए कुछ सोशल एंड एथिकल नॉर्म्स के द्वारा। इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द सर्व The interest of consumer. ये एक business की moral responsibility है कि वो consumer के interest में serve करें, ना कि उनके against में। Keeping in line with the principle, it is the duty of producer and trader to provide right quality and quantity of the goods at fair price to the consumer. और इसीलिए क्या है कि आपकी ये duty है as a trader और as a producer कि आप जो है सही quality, सही quantity, सही goods, सही price पे consumer को provide कराओ। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इन द कंज्यूमर आर बिकमिंग मोर नेचर एंड कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिस बाय द बिजनेस। आज के टाइम में क्या हो गया है, अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। तो अब क्या है, कंज्यूमर्स को पता है कि उनको कैसे किसी के अगेंस्ट जाना है अगर उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनको कैसे अपने लिए आवाज़ उठानी है, आखिर क्या क्या चीज़ें उनके साथ गलत हो रही है। जैसे पहले किसी को नहीं पता था कुछ टाइम पहले तक कि अगर कोई भी आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो किसी मॉल में किसी अच्छे जगह पे, तो वहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा कैरी बैग दिया जाता है तो वो एक्स्ट्रा कैरी बैग का वो चार्ज नहीं कर सकते अगर उन बैग के ऊपर उनका लोगो और उनका नाम छपा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ऐसे सिचुएशन में वो लोग ऐसे कैरी बैग्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। ये लोग आपको हमको नहीं पता था क्योंकि हम इस लोग की जगह से नहीं है, तो हमें ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ये चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन एक बंदे ने जब बाटा के ऊपर ये केस कर दिया कि भाई इन्होंने जो है मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं फॉर दिस कैरी बैग एंड उस कैरी बैग पर इनका फोटो है, उनका लोगो है, तो इसके लिए इन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे कैसे मांग लिए, 20 रुपी के अप्रॉक्स मेरे ख्याल से उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए थे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, वो कंज्यूमर कोर्ट तक गया और वहां पे जो है उसके हक में फैसला आया। और इसके बाद हम लोगों को भी ये बात पता चली, हमें भी ये अवेयरनेस आई कि भैया एक्स्ट्रा पैसे फॉर दैट कैरी बैग आप नहीं मांग सकते और आपको और देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ये अवेयरनेस बढ़ गई है, तो इसीलिए अब क्या हो गया है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्यादा चीजें आ गई हैं कि हाँ भाई आपको जो है ऐसी ऐसी एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि आप भी अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप भी जो है एक्स्ट्रा पैसे मत दीजिए। There are many consumers organization and association who are making efforts to build consumer awareness. आज के टाइम में काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी एसोसिएशन है जो क्या कर रही है, एफर्ट्स कर रही है कि भाई कंज्यूमर को अवेयर किया जाए, कंज्यूमर को बार बार बता रही है कि इस तरीके से आप अपने आप को अवेयर रख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी, आपको जो है बिल लेना है, आपको जो है ये करना है ताकि आपको जो है फ्यूचर में जाकर के कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठा सकें। Taking up their cases at various level and helping them to enforce their rights. और साथ ही साथ यही organization and association क्या कर रही है, अगर किसी और कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है, उनको अगर किसी ने उनको चीट किया है, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन उनको हेल्प करती है उनके केसेस को आगे ले जाने के लिए और उनको सपोर्ट करती है कि उनके जो भी राइट्स हैं वो उनको मिल सके।
नेक्स्ट वन इज योर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. आज के टाइम में क्या हो गया है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो आपके बिजनेस जो है बहुत आगे जाने वाला है, और अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो आपका बिजनेस जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगा. अब भले ही आपका कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई है और आप थोड़ा सा भी गलत माल बेच रहे हो, फिर भी कंज्यूमर आपकी तरफ लॉयल्टी रखेगा. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैगी का. मैगी की कितनी बड़ी न्यूज़ आई थी कि भाई उसमें लेड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. उसको बैन कर दिया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो वापस मार्केट में आया तो दोबारा से उसके सेल उतनी ही बूस्टअप हो गए बाहर निकल के आई. क्यों? क्योंकि लोगों ने एक जगह पे उसको जो है उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई थे, भले ही उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे थी, लेकिन मैक्सिमम पीपल उस चीज़ से सेटिस्फाई थे, उसके क्वालिटी से, उसकी क्वान्टिटी से, हर चीज़ से. तो इसीलिए कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई होता है तो आपकी मार्केट में बहुत अच्छे लेवल तक जो है आप जो है रह सकते हो, बट अगर नहीं है तो वही मार्केट में आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. तो इसीलिए आपको भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहे, बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग देम व्हाट दे वांट, आपको जो है आप उनको जो दे रहे हो उससे वो खुश है, तो इससे क्या होगा, इससे वो आपकी मार्केट में आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं. तो इसीलिए आपको कंज्यूमर के जितने भी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई ये कंपनी हमारे लिए कुछ कर रही है और वो आपसे सेटिस्फाई रहे. कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द की टू सक्सेस ऑफ बिजनेस, हैंस द बिजनेसमैन शुड टेक एवरी स्टेप to serve the interest of consumer by providing them quality goods and service at reasonable price. ठीक है, तो यानी consumer का satisfaction जो है आपका key of success होता है किसी business का. इसीलिए businessman को जो है try करना चाहिए हर step पे कि उनको जो है अच्छा serve करें, उनके interest में serve किया जाए ताकि जो है उनको अच्छी quality भी दी जाए, quantity दी जाए और reasonable price पे दी जाए. Next is principle of social justice. Exploration of consumer is against the directive principle of state policy as laid down in the Constitution of India. जैसे Constitution of India में बोला गया है state policy के अंदर जो है आप किसी भी consumer को exploit नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी जो है ये एक principle of social justice बन जाता है कि law के according भी आप जो है ऐसा नहीं कर सकते. Keeping in line with the principle, it is expected from the manufacturer, trader and service provider to refrain from malpractice and take care of consumer interest. साथ ही साथ तो ये जो है लो के द्वारा अवॉइड कराया गया है, उसको जो है मना किया गया है कि आप माल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, गलत प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिजनेस में गलत प्रैक्टिस नहीं कर सकते. गलत प्रैक्टिस यानी कि क्वांटिटी लिख रहे हो तुम 70 ग्राम और दे रहे हो 60 ग्राम, जो है क्वांटिटी दिखा रहे हो चिप्स का पैकेट इतना बड़ा है और उसमें लिख रहे हो कि ये 1 किलो का है, अंदर जो है 1 ग्राम के चिप्स भी नहीं है. तो इस तरीके से ऐसी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते. तो ये सोशल जस्टिस के लिए भी आपको आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके चलना है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप. ट्रस्टशिप यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर जो मार्केट से आपकी कोई भी बिजनेस है वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ही लेता है. तो जब वो सारे के सारे आपकी जो रिसोर्सेज है वो इन्वायरमेंट से ले रहा है, उठा रहा है, तो बिजनेस को एज अ ट्रस्टी काम करना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप, तो यहाँ पे एज अ ट्रस्टी काम करना चाहिए बिजनेस को, क्योंकि वो सारी चीज़ें मार्केट से ले रहा है, इन्वायरमेंट से ले रहा है. तो जब वो ट्रस्टी के तौर पे काम करेगा तो ये उसकी ड्यूटी हो जाएगी कि जहाँ से उसने वो सारा सामान लिया है उनको भी जो है प्रोटेक्ट करे. सो अकॉर्डिंग टू गांधानी फिलोसफी, फिलोसफर, मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर आर नॉट द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस. यानी कि ये जो है एक गेंटिहान फिलॉसफी थी जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि मैन्युफैक्चरर और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो रियल ओनर नहीं होते हैं बिजनेस के. जो रिसोर्सेज हैं वो सप्लाई किए जा रहे हैं सोसाइटी द्वारा, दे आर मेनली द ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेज. जब यहाँ से जो है उनको सोसाइटी से वो सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो एज अ ट्रस्टी ही काम कर रहे हैं बस उन सब रिसोर्सेज के. सो देयरफॉर दे शुड यूज सच रिसोर्सेज, माफ़ कीजिएगा, तो इसीलिए वो सारे रिसोर्सेज वो इस तरीके से यूज़ करें, इफ़ेक्टिवली यूज़ करें कि सोसाइटी को बेनिफिट दे सके. जहाँ पे सोसाइटी में आपके कंज्यूमर भी आ जाते हैं तो कंज्यूमर को भी बेनिफिट दे सकें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. अगर आप बिज़नेस का सर्वाइवल चाहते हो, मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो, बिज़नेस की ग्रोथ चाहते हो, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर को ही एक्सप्लोर्ट कर दोगे, उन्हीं के साथ गलत करोगे, तो कैसे कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा और कैसे आपका बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक चल पाएगा. सो द बिज़नेस हैज़ टू सर्व कंज्यूमर इंटरेस्ट फॉर देयर ओन सर्वाइवल एंड ग्रोथ. तो इसीलिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट में आप सर्व करना पड़ेगा आपको, अगर आप जो है सर्वाइव करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो. ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड इन माल प्रैक्टिस और फेल्स टू प्रोवाइड
इम्प्रूव्ड सर्विस टू देयर अल्टीमेट कंज्यूमर शैल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू। तो इसलिए चाहे आपका जो है जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ है तो कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज हो गया है, और ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई भी गलत काम करोगे अपने कंज्यूमर के लिए तो, या फिर कंज्यूमर के हक में अगर कुछ भी गलत करोगे तो उस सिचुएशन में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट में टिके रहना। हैंस दे मस्ट वर्क इन देयर ओन लॉन्ग रन इंटरेस्ट बिकम कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो इसीलिए लॉन्ग रन में के इंटरेस्ट में अगर उनको काम करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर के ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, कंज्यूमर को ध्यान रखते हुए, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, सो उनको ध्यान रखते हुए ही आपको काम करना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।